दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जो है करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे करंट अफेयर का क्वेश्चन उस एग्जाम से रिलेटेड होगा जो आने वाले दिनों में प्रतियोगी एग्जाम के रूप में होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे डेली एक वीडियो जो है करंट अफेयर से रिलेटेड अपलोड की जाएगी जो आपके एग्जाम में सहायक हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन जरा देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग का नौवां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, देखिए रायसीना डायलॉग, रायसीना जो नाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये रायसीना नाम ही काफी है कि हम लोग इतिहास में या पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। ये जो वर्ड है रायसीना, तो एक वर्ड आता है रायसीना की पहाड़ी। तो दिल्ली में जो हमारी संसद भवन है वह रायसीना के पहाड़ी पर स्थित है। तो थोड़ा सा अगर आपके जहन में ये बात है तो सीधा इसका आंसर जो है आप नई दिल्ली टिक लगा सकते हैं, यानी नई दिल्ली में जो है यह रायसीना डायलॉग का नौवां संस्करण होने वाला है। ये जो रायसीना डायलॉग है ये 2016 से ही चलते आ रहा है। इस बार के रायसीना डायलॉग में फ्रांस के जो है वहां पे गेस्ट को, वहां के पीएम के गेस्ट को, सॉरी ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया है चीफ गेस्ट के रूप में। और इसका मूल उद्देश्य ये है कि हमारे देश के साथ जो भी और अन्य देश है, चाहे वो पूरा वर्ल्ड ही क्यों ना हो, फिलहाल अभी तो 100 से ज्यादा देश हैं जो इस डायलॉग से जुड़े हुए हैं। तो इसमें लगभग 100 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहाँ पे आर्थिकी के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, आतंकवाद के क्षेत्र में, जलवायु के क्षेत्र में, हर किसी मुद्दे पे जो है बात किया जाएगा कि आखिर इस पूरे देश के अर्थव्यवस्था के संकट हो, आतंकवाद का संकट हो, खाद्यान्न का संकट हो, कैसे निपटारा किया जाए, इस बातों का जो है उस पर चर्चा किया जाएगा। तो मुख्य रूप से यहाँ पे अगर आंसर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की विधानसभा ने मराठा आरक्षण विधेयक पारित किया है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दिया हुआ है किस राज्य की विधानसभा ने, तो किस राज्य की विधानसभा ने मराठा आरक्षण, तो एक वर्ड यहाँ पे दिख रहा है आपको मराठा। तो मराठा वर्ड सुनते ही जहन में ये आता है कि कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र से जुड़े हुए होंगे। तो मराठा आरक्षण बिल है तो सीधी सी बात है कि कहाँ के विधानसभा में पारित हुआ होगा, महाराष्ट्र के विधानसभा में। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जो मराठा है इनको आरक्षण दिया गया तो किस क्षेत्र में दिया गया, शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है? तो एक तो शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया है ये आरक्षण, और एक नौकरी के क्षेत्र में आरक्षण दिया गया है। और ये आरक्षण जो है परसेंटेज में देखा जाए तो 10% है। ठीक है, फिर एक सवाल ये भी आता है कि मराठा लोगों को महाराष्ट्र में किस कैटेगरी में रखा गया है? क्या ये जनरल कैटेगरी में है, क्या ये ओबीसी कैटेगरी में है, क्या ये एससी में है, क्या ये एसटी में है? तो वर्तमान समय में ये मराठा लोग को फिलहाल ओबीसी में रखा गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे कहते हैं। जब मंडल कमीशन बना था उस समय मंडल कमीशन ने मराठा लोगों को जनरल कैटेगरी में रखा था, सामान्य वर्ग में रखा था। ठीक है, तो अभी फिलहाल इनको जो है 10% आरक्षण दिया गया है। एक और आपको आरक्षण याद होगा जो है कुछ समय पहले सवर्ण आरक्षण लाया गया था, सवर्ण आरक्षण में भी इसका परसेंटेज था 10%। मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को छोड़ करके अन्य वैसे वर्ग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनका सालाना पारिवारिक इनकम 8 लाख से कम है, उनको सवर्ण आरक्षण दिया जाएगा। और वो आरक्षण जो है कितना प्रतिशत होगा, 10% होगा। अब इस सवर्ण में कायस्थ भी आ सकते हैं, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, जितने फॉरवर्ड क्लास है लगभग सब आ सकते हैं। लेकिन ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को छोड़ करके बाकी जो वर्ग बचते हैं, अगर वह आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक नहीं लिखा हुआ है, आर्थिक रूप से अगर पिछड़े हैं तो उनको ये सवर्ण आरक्षण दिया जाएगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पे मराठा आरक्षण किस विधानसभा से पारित हुआ है, तो ये महाराष्ट्र के विधानसभा से पारित हुआ है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन है, हिमालयन बास्केट पहल किस राज्य में शुरू हुआ है? हिमालयन बास्केट,
अब देखिए हिमालयन बास्केट का मतलब कतई ये नहीं समझना है कि कहीं ये हिमालय पर्वत से तो रिलेटेड नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। उत्तराखंड में दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है इस बिजनेस को लेकर के, जिसमें से एक का नाम है सुमित और दूसरे का नाम है स्नेहा। इन दोनों लोगों ने मिल करके जो है वहां के प्रोडक्ट को और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने का प्रयास किया है, अधिक से अधिक बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया है। जो भी वहां पे रोजगार होगा, जो भी वहां पे चीजें बनेंगी, उसको विदेश तक में सप्लाई करने का जो है इन लोगों ने प्रण लिया है। कहने का मतलब यह है कि उत्तराखंड में दूध, घी और भी जितने चीजें हैं वहां पे जो ज्यादा प्रसिद्ध है, उससे और प्रोडक्टिव चीजें बनाना है, ठीक है। तो खास करके जो हिमालयन बास्केट है, यह एक प्लान बनाया गया है उत्तराखंड में, और यह प्लान में सबसे ज्यादा सहायता करने वाले अगर व्यक्ति कोई हैं तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने कहा है कि हम सुमित और स्नेहा के साथ हैं जो यह प्लान बना रहे हैं, इसमें अधिक से अधिक बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलने का चांस है, ठीक है। और उत्तराखंड तो वैसे भी चर्चा में रहा है, कुछ दिन पहले ही आप लोग करंट न्यूज में पढ़े होंगे कि उत्तराखंड में क्या लागू किया गया, UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता। और इस समान नागरिक संहिता के लिए जो है अभी प्रयास किया जा रहा है कि पूरे भारत देश में इसको लागू किया जाए। समान नागरिक संहिता का मतलब लगभग सभी धर्मों के लिए एक समान कानून हो जाए, जिसमें विषय विवाह का होगा, तलाक का होगा, उत्तराधिकारी का होगा और गोद लेने का होगा। ये चार ऐसे मुद्दे हैं जिसपे सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून हो जाए, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए यहाँ पे है कि ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ की शुरुआत किसने की। देखिए कुछ कुछ करंट अफेयर का क्वेश्चन ऐसा रहता है कि सिर्फ क्वेश्चन में कुछ वर्ड को पढ़ के ही आंसर दिया जा सकता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात की जा रही है। तो अगर पूरे विश्व स्तर पे, खास करके यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ ग्लोबल, ग्लोबल का मतलब पूरे विश्व स्तर पे, अगर विश्व स्तर पे स्वास्थ्य की बात की जा रही हो तो उसमें एक ही संस्था का ज्यादा इंपॉर्टेंस आता है और वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के द्वारा ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, अब देखिए हेल्थ के साथ तो डिजिटल जुड़ रहा है, मतलब एक बात बताइए कि अगर किसी व्यक्ति का इलाज करना है आज के डेट में, तो कोई अगर गंभीर बीमारी है तो कई सारे टेस्टिंग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो किसी एक हॉस्पिटल में अगर 100 मरीज हैं, 100 मरीजों का जो है टेस्टिंग हुआ है, तो डॉक्टर पहले उस टेस्टिंग रिपोर्ट को पढ़ेगा, उसके बाद निष्कर्ष पे पहुंचेगा। लेकिन अगर उसको डिजिटलाइज कर दिया जाए, डिजिटल माध्यम से उसका चेक किया जाए, तो जो डॉक्टर पूरे दिन में 100 मरीजों का रिपोर्ट चेक करेगा, इस डिजिटल होने की वजह से मात्र आधे घंटे में 100 मरीजों का रिपोर्ट जांचा जा सकता है। तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में या जितने भी हॉस्पिटल हैं, धीरे धीरे उसको अगर डिजिटलाइज किया जाए, डिजिटल मशीन लाया जाए, तो जो भी काम में लेट हो रहा है, जो देरी हो रहा है, जिसकी वजह से कई सारे मरीज का देहांत भी हो जाता है, तो उसमें तेजी लाने के लिए उसको डिजिटल से जोड़ा जा रहा है। और डिजिटल में आज के डेट में सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से 100 मरीजों का एक्सरे मात्र आधे घंटे में रीड किया जा सकता है, जबकि वही 100 मरीजों का एक्सरे किसी डॉक्टर को पढ़ने में कम से कम 3-4 घंटे लग सकते हैं। तो जहां 3-4 घंटा लग रहा है वहां आधे घंटे में काम हो जाएगा, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और यहां तक कि हो सकता है कि इंसान को पढ़ने में थोड़ी गलती हो जाए, लेकिन मशीन में जो भी कोड किया रहेगा उससे गलती नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है ये डिजिटल माध्यम हेल्थ के मामले में ज्यादा मददगार होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो मरीजों के लिए और सुविधाजनक होते चला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है। देखिए ये सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, सबसे लंबा पुल,
ये कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा फैक्चुअल है, इसका उतना कोई कॉन्सेप्ट बनता नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ पे सीधे होगा चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी वो जो है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, ध्यान रखना है सड़क ब्रिज नहीं है, ये है रेलवे ब्रिज। तो रेलवे ब्रिज जो है चिनाब नदी पर, जिसकी ऊंचाई सबसे अधिक है, ऊंचाई के मामले में देखा जाए तो लगभग इसका ऊंचाई जो है 368 मीटर है, और इसका लंबाई देखिएगा तो लगभग 1315 मीटर के आसपास में इसका लंबाई है, 1315 मीटर लंबा है और 369 मीटर ऊंचा है। तो कहीं ना कहीं इसकी ऊंचाई काफी अधिक है। तो यह जो है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर? चिनाब नदी पर, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? हु हैज रिसीव्ड द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024? यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन है बॉबी देवल, आयुष्मान खुराना, विकी कौशल, शाहरुख खान। तो यहाँ पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले वह व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में लंबे समय के बाद फिर से अपना थोड़ा पहचान बनाया है, फिर से चेहरा जो है वो जनता के सामने लेकर के आए हैं, और वे व्यक्ति हैं शाहरुख खान। तो शाहरुख खान का एक मूवी है, इस मूवी का नाम है जवान। ठीक है, तो जवान मूवी के लिए इनको जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर अवार्ड किस मूवी के लिए? जवान मूवी के लिए। इससे पहले इन्होंने एक मूवी बनाया था, उस मूवी का नाम है पठान। ठीक है, तो एक लंबे समय के बाद पठान मूवी से इन्होंने बैकअप किया था जनता के बीच में, यानी सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला जो है मूवी बन गया था पठान। उसके बाद कुछ ही समय बाद जो है इन्होंने मूवी लेकर गया है जवान, और जवान में इन्होंने काफी अहम भूमिका निभाया है देश के राष्ट्रवाद के प्रति। राष्ट्रवाद का मतलब देश के प्रति प्रेम, तो देश के प्रति प्रेम जो है खूब बखी हुई रूप से इन्होंने दिखाया है शाहरुख खान ने, इसलिए इनको जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है। एक चीज यहाँ पे ये भी तय हो जाता है कि यहाँ पे जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है, तो इतना तो श्योर हो गया कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है फिल्म जगत में दिया जाता है ना। फिल्मों में जो बेस्ट एक्टर या बेस्ट एक्ट्रेस होते हैं, बेस्ट सिंगर होते हैं, तो फिल्मों के जगत में जितने भी किरदार हैं उसके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शाहरुख खान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लीजिए आ गया एआई चैटबॉट। एआई चैटबॉट हनुमान किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? देखिए जब से एआई का कंपटीशन मार्केट में आया है तो हर कंपनी, हर क्षेत्र के या हर इंडस्ट्री के लोग चाहते हैं कि मेरा अपना एआई चैटबॉट हो। एआई चैटबॉट का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं गूगल से भी थोड़ा फास्ट है। जैसे किसी भी हिस्ट्री को जब हम सर्च करते हैं गूगल पे, तो गूगल पे 4-5 ऑप्शन आ जाते हैं। अब उसमें से कोई एक सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि किसको ओरिजिनल माने, किसको ठीक माने। बट जो चैट जीपीटी है, अगर उस पर आप किसी चीज को सर्च करते हैं तो मात्र एक ही रिजल्ट आता है। वह सभी जगह से ढूंढ करके एक कंक्लूजन निकाल के मात्र एक रिजल्ट देता है, तो काफी मददगार हो जाता है हमारे लिए। तो वैसे ही और भी कंपनियां चाहती हैं कि हम अपना एआई चैटबॉट बनाए, जो किसी भी तरीके के अगर हम स्पीच में बोल रहे हैं तो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करें और वह टेक्स्ट फिर वीडियो में भी कन्वर्ट हो जाए। तो भारत देश में रिलायंस जो कंपनी है ना, भारत देश में जो रिलायंस कंपनी है वह हनुमान के नाम से जो है चैटबॉट बना रहा है। हनुमान के नाम से जो है वह चैटबॉट बना रहा है, ठीक है, और भारत का यह अपना चैटबॉट होगा, अपना एआई चैटबॉट होगा। चैटबॉट का मतलब यही हुआ कि आप जैसे गूगल पे सर्च करते हैं, यानी गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है, वैसे ये भी एक प्रकार का सर्च इंजन है, बस ये भारत में बन रहा है, इसलिए इसका नाम भारत में दिया गया है हनुमान। तो हनुमान के नाम से
भारत में बनाया जा रहा है, जिस पे आप किसी भी प्रकार की हिस्ट्री को सर्च कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा रिलायंस। रिलायंस के माध्यम से हनुमान को बनाया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अमीन सयानी का निधन हो गया, वह कौन थे? अमीन सयानी हैज पास्ड अवे, हु वाज ही, कौन थे वो? तो देखिए, अमीन सयानी, अगर आप लोग थोड़ा सा भी न्यूज़पेपर पे ध्यान दे रहे हैं या रेडियो वगैरह सुनते होंगे तो काफ़ी शायराना अंदाज में ये शायरी भी सुनाते हैं, कुछ कुछ कहानियाँ भी सुनाते हैं, ठीक है। तो जो अमीन सयानी है, यह मुख्य रूप से एक रेडियो संचालक भी थे और साथ ही साथ रेडियो पे वादक का काम भी करते थे। रेडियो वादक, रेडियो वादक का मतलब कि कभी कभी आप लोग सॉन्ग वगैरह सुनते हैं, कभी कभी शायरी वगैरह भी सुन लेते हैं, कभी कभी गजल वगैरह भी सुन लेते हैं, ठीक है। तो रेडियो पे एक तरह से शायरी वादक के रूप में या रेडियो संचालक के रूप में इनको जाना जाता था, काफी मशहूर थे, ठीक है। लगभग 90 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। तो अमीन सयानी जो है, इनका संबंध किससे था? रेडियो संचालक से था, जिनका हाल फिलहाल में ही मृत्यु हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेदराम यात्रा किस राज्य में शुरू किया गया है? मेदराम यात्रा, देखिए मेदराम यात्रा जो है यह संस्कृति से जुड़ा हुआ है, अपने देश के अपने राज्य क्षेत्र के परंपरा से जुड़ा हुआ है। और मेदराम यात्रा जो है ये इसलिए निकाला जाता है कि हमारे राज्य का जो है वृद्धि हो, विकास हो, यहाँ के सारे लोग खुश रहें। और इस प्रकार की अधिकतम परंपराना दक्षिण भारत में ज़्यादातर पाया जाता है। तो जब दक्षिण भारत की बात आती है तो या तो फिर केरल हो सकता है, या तो तमिलनाडु हो सकता है, या तो कर्नाटक हो सकता है। तो इन तीनों में अगर ऑप्शन देखा जाए, देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। देखिए, त्रिपुरा है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, तेलंगाना है। तो वैसे ही ऑप्शन से ही आप लोग देख सकते हैं। देखिए, त्रिपुरा अगर भारत में इसका डायरेक्शन देखा जाए तो पूर्वी भारत में है, नागालैंड पूर्वी भारत में है, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में है, साउथ का एक ही राज्य यहाँ पे देख रहा है और वह है तेलंगाना। तो ये मेदराम यात्रा जो है यह तेलंगाना में निकाला गया है। यह उस क्षेत्र के उस राज्य के भले के लिए, विकास के लिए, कि वहाँ के सारे लोग सुखी रहें, वहाँ की संस्कृति बनी रहे, इसलिए यह यात्रा निकाला जाता है। बाकी इसका राजनीतिक आर्थिक रूप से कोई महत्व नहीं है, सिर्फ सांस्कृतिक रूप से महत्व है। वहाँ के लोगों के मन में ये ऐसी प्रथा चलते आ रही है शुरू से ही कि अगर हम यात्रा निकालेंगे, पूजा करेंगे तो हमारे राज्य क्षेत्र के लोग विकसित रहेंगे, खुशी रहेंगे, सुखी रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व मातृभाषा दिवस जो है अभी अभी जो है यह गुजरा है, यह न्यूज़पेपर में भी काफ़ी छाया हुआ था। तो इसका तारीख जो है वो 21 फरवरी है। 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया गया है। देखिए, मातृभाषा दिवस तो ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पे विश्व लगाने का मतलब क्या है? क्यों विश्व में ही ये मातृभाषा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व में मनाने का मतलब ये होता है कि अगर भारत में किसी भी शिक्षा को, जैसे मेडिकल लाइन देख लीजिए, इंजीनियरिंग लाइन देख लीजिए, ज़्यादातर यहाँ पे इंग्लिश को तवज्जो दिया जाता है। लेकिन अन्य और कोई भी देश है, जैसे यूक्रेन का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर यूक्रेन में कोई मेडिकल की पढ़ाई करने जा रहा है तो सबसे पहले उसको यूक्रेनी भाषा सीखना पड़ता है। एक साल तक उसको भाषा सीखना पड़ेगा, तब जा करके पूरे यूक्रेनी भाषा में 4 साल या 5 साल जितना दिन का कोर्स हो वो मेडिकल की पढ़ाई करेगा। बट भारत में क्या है कि भारत में आप चाहे कहीं से भी आए हों, आपकी पढ़ाई इंग्लिश में ही होगी। चाहे आप तेलंगाना के निवासी हों, चाहे केरल के निवासी हों, चाहे बिहार के निवासी हों, तो किसी भी क्षेत्र से आप आए हैं, इंग्लिश पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे यह विश्व मातृभाषा दिवस मनाने का पर्पस यही है कि आप किसी भी क्षेत्र से आ रहे हों लेकिन उस क्षेत्र के भाषा को तवज्जो दिया जाए। जैसे अभी मध्य प्रदेश, भारत में MP एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भली भांति हिंदी में हो रही है। और सभी राज्य को लगभग ये प्रयास करना चाहिए कि हर राज्य में वहाँ के जो भी स्टैंडर्ड पढ़ाई है, जो भी स्टैंडर्ड स्टडी है, ऊंचे तबके का पढ़ाई है, उसको उस क्षेत्र के लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, ताकि एक
इंग्लिश में दबा हुआ स्टूडेंट भी उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट ले सके। अब एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़का जो है 12th क्लास में मैथ्स में 95% ला रहा है, बट वो इंग्लिश में मात्र 55% ला रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंग्लिश में वीक है। अब इस वजह से वो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन देखिए मैथमेटिक्स में 95% है, तो कहीं ना कहीं हम लोग एक गणितज्ञ को खो देंगे, एक इंजीनियर को खो देंगे। इसलिए सबसे पहले बात कि ये भाषा को थोड़ा आसान बनाना पड़ेगा, चाहे किसी भी प्रकार का भाषा हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगले वीडियो में फिर ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और साथ ही साथ ये कोशिश करेंगे कि स्टैटिक जीके भी लाया जाए ताकि आपका नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। धन्यवाद।